another issue. Change. सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ये बार बार आता है, पड़ता है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है और इस 50% का रेंज ड्रॉप आ जाता है कभी कभार, मतलब अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, बताएंगे ये दिक्कत है, इसका मदरबोर्ड चेंज कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं। हेलो दोस्तों, 1000 किलोमीटर चलने के बाद में ओला S1 Pro के अंदर प्रॉब्लम आ गई है जी। बिल्कुल हाँ, ये मेरा दोस्त है जिसके यहाँ पे मैं पर्सनली गया हूँ देखने के लिए। इसने मुझे मेल किया था कि भाई मेरे कुछ इश्यू आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे पास आके एक बार चेक करके जाइए कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम मेरी ही आ रही है फिर आपके भी प्रॉब्लम आए। तो मैं गया तो मैंने देखा कि सच में इसकी गाड़ी में ही प्रॉब्लम आ रहा था, मेरी गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पूरा रियल वीडियो शूट करके लाया हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। Scooter issue changed to park mode. Changed to park mode. Manander famous nahi hota. Isko bhai aapke scooter mein kya aa raha hai? Dekh lo bhaiya, jaise reverse ke andar aate hain तो ये स्कूटर इशू आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये बार बार आता है। जैसे उसके अंदर नहीं आ रहा अभी ये वाला जो ओला, ये भी ओला S1 Pro ही है, ये भी ओला S1 Pro है, और इसमें आ रहा है उसमें नहीं आ रहा, और इसकी रेंज में भी प्रॉब्लम आ रही है। लाइक इसकी रेंज जो कंपनी बोलती है 170 नहीं है, 120 ही है इसकी। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप अभी आपने दिखाया कि इसको वापस रीस्टार्ट अपने आप आ रहा है, फिर अपने को करना अपने आप करना पड़ता है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। और रीस्टार्ट पे होने पे कोई रेंज ड्रॉप वगैरह? बहुत आता है रेंज ड्रॉप, कभी कभार तो 50% का रेंज ड्रॉप आ जाता है, कभी कभार 10% आता है, कभी कभार 20% आता है, कोई भरोसा नहीं है, कितना भी आ सकता है। पर 10 किलोमीटर का तो मिनिमम है, 10 किलोमीटर तो मिनिमम आएगा ही आएगा। कंपनी में चेक कराया पर वहाँ पे कोई रिस्पांस है नहीं, सारे डीले हैं वहाँ पे। इससे पूछ सकते हो, ये बंदा गया था हमारे साथ कंपनी के अंदर, कोई रिस्पांस नहीं वाला, एकदम बकवास कंपनी है। मैं तो कह रहा हूँ कंपनी भेज दो। थैंक यू भैया। अच्छा भैया, आप कंपनी में गए थे तो क्या मतलब आपको वहाँ पे क्या मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कोई? अच्छा, इतना कुछ खास रिस्पांस नहीं देते कंपनी वाले, वो बस ऐसे ही मतलब अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, बताएंगे ये दिक्कत है, इसका मदरबोर्ड चेंज कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं, कुछ तो इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलते हैं कि मतलब ये दिक्कत पहले मतलब आगे से आ रही है, कोई नया सॉफ्टवेयर आएगा उसमें अपडेट होगा तभी कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है ये हो पाएगा अपडेट होने के बाद में? ये तो मुझे तो लगता नहीं है हो पाएगा, क्योंकि गलती है तो वो कब तक होगी वो तो कोई कह नहीं सकता। कंपनी वाले तो बस दावा करते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन कभी होता ही नहीं है, बड़े बड़े सब लोग करते हैं ये सब दावा। कितनी बार ट्राई किया आपने ये कंपनी में, कितनी बार स्कूटर को ले गए आप? हम 4 बार लेके गए हैं, अभी तक वही दिक्कत है, अभी तक सॉल्व हुई नहीं है वो। 4 बार जाने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? तो इसके ऊपर आपने मेल वगैरह का ट्राई किया? सब कुछ कर लिया हमने, अभी भी रेस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं। सो ये कुछ वीडियो था जिसका मैं बता देता हूँ, और पार्किंग मोड का इसका बार बार आ रहा है कि मतलब एक ही चीज़ को 3 बार कमांड करके बोला जा रहा है, और फिर जब इसको रीबूट करके वापस स्टार्ट किया जा रहा है तो ये गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही बैक में लेते हैं तो ये वापस वही प्रॉब्लम एरर आता है और फिर वापस रीबूट करना पड़ता है। तो मतलब इसके अंदर बैक हम नहीं ले पा रहे, और सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी वाले इस बंदे का कोई सपोर्ट नहीं कर रही, जो भाई इसका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसको हर बार ये चूतियापा बनाया जा रहा है कि भाई तेरी गाड़ी के अंदर छोटा मोटा प्रॉब्लम है, OS आने के बाद में ये सही हो जाएगा। तो मुझे ये बता दो, OS का इससे क्या लेना देना है भैया? और दूसरी रही बात इसके स्कूटर की, तो भैया इस स्कूटर के अंदर ब्रेक लेते ही प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा करते ही प्रॉब्लम आ रहा है, और मतलब क्या लगा रखा कंपनी वालों ने? प्लीज़ 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 भावेश अग्रवाल जी, मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ जो आपने कर रखा है या फिर इसमें जो एरर आ रहा है, या तो आप स्कूटर सेलिंग मत करो, और सेलिंग कर रहे हो तो प्लीज़ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ऐसे कस्टमर को चूतिया ना बनाओ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कस्टमर को इतना चूतिया बनाने से कोई वो नहीं होगा सॉल्यूशन। मतलब कस्टमर ने पेमेंट दिया यार, ये बंदा मतलब
क्या बताऊँ इस बंदे की लाइफ मतलब बहुत अजीब है, क्रिटिकल है। मतलब इसने एक एक रुपये इकट्ठा करके खुद के दम पे ही गाड़ी ली है, और इसी नहीं हमारे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गाड़ी एक एक रुपये इकट्ठा करके लिए। और दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी किसी के प्लीज़ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी गाड़ी में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज़ मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा और भावेश अग्रवाल जी को टैग कर दूंगा, यहाँ तक कि मेल कर दूंगा कि ताकि क्या पता आपकी हेल्प हो जाए, आपका सपोर्ट हो जाए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनके पास ओला स्कूटर है, और अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नई एक अच्छी खासी शुरुआत के साथ में। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो पे मैं 10 सब्सक्राइबर का टारगेट करता हूँ और 20 कमेंट का टारगेट करता हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे बताएं आपकी गाड़ी के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, ये मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टारगेट रखते हैं 10 सब्सक्राइबर का, आई होप आप छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कंप्लीट करोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना मुझे सपोर्ट, इतना प्यार मोहब्बत इस जज्बात मुझे कराने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आई होप आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में और नई प्रॉब्लम्स के साथ में जो कि गाड़ी के अंदर आ रही है जा रही है जी। बिल्कुल हाँ, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।